हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर मॉम की दुनिया। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है ये है कि विंटर में हम लोग साड़ी किस किस टाइप, अगर बहुत सारे लेडीज़ को होता है ना कि अगर उन्हें किसी, अगर वो नौकरी पेशा भी हैं जैसे एयर होस्टेस टाइप के हो गए, टीचर हो गई, तो इन लोग को साड़ी, मोस्टली ये लोग साड़ी ही ज़्यादा पहनती हैं। सो साड़ी में ही ये लोग स्टाइलिश कैसे दिखें साड़ी में ही, या फिर बहुत सारे लोग लेडीज़ घर पे भी ज़्यादातर साड़ी का यूज़ करती हैं। सो साड़ी में भी ज़्यादातर स्टाइलिश, और उसमें सबसे पहली चीज़ कि हम उसमें कंफर्टेबल कैसे रहें। विंटर सीजन की बात यहाँ पे हो रही है। सो मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ जो कि विंटर में बहुत ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडी एंड पॉपुलर लुक है। सो आई होप आप लोग ये सारे लुक को इन्जॉय कीजिएगा, वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो कैसा आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए, नहीं तो आप लोग फिर बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। सो चैनल पसंद है चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, जो साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। बहुत सारे लोगों ने पहले ये कमेंट किया है मेरे पास कि मैम आप वीडियो डालती हैं तो आपने तो शो कर रखा है अपने कवर फोटो पे कि आपका वीडियो एवरी डे 1:30 PM पे आपका वीडियो पब्लिश हो जाता है, आ जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। सो मैं आपको बता देती हूं कि आप लोगों ने मेरा नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती होगी, या फिर कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम का। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा, उस पर जो ऑल का निशान है उसे प्रेस कीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगी। सो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगी, और ये लुक जो मैंने अभी जितने भी मैंने क्रिएट किए हैं आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। सो एंजॉय कीजिए वीडियो। सो गाइस, इस फर्स्ट लुक में मैंने ट्राई किया है एक ब्लैक कलर का, मेरा जो स्वेटर है गोल गले का है, राउंड नेक में है, और उसके साथ हाफ जैकेट वो भी ब्लैक कलर के हैं। ये दूसरे स्वेटर पर का हाफ जैकेट है, जो दो पीस वाला स्वेटर होता है उसी का ये सेट है। सो इस पे मैंने जो अंदर हाफ स्वेटर, उसके बाद साड़ी, और उसके बाद हाफ ऊपर से फिर वो जैकेट पहना था, इसमें मैंने जैकेट को हटा दिया है, सिर्फ उस स्वेटर पे ही जो ब्लैक कलर की है, थोड़ी सी इसकी स्लीव छोटी है, उस पे साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये लुक भी। सो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हम अपने पल्लू को आगे भी कर सकते हैं प्लेटेड करके, जो हम लोग प्लेटेड पल्लू जो करते हैं पीछे की तरफ, उसे हम आगे भी इस टाइप से कर सकते हैं, इसके ऊपर से हम जैकेट पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक देगा। नेक्स्ट है कि अब हम अपने पल्लू को गर्दन में लपेटते हुए पीछे कर लेंगे, इससे इस पर भी अगर आप जैकेट कोई पहनोगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। अब है शॉल, शॉल को हम अगर पिनअप आगे करके उसमें अगर पिनअप कर लें तो बिल्कुल ही हमें हैंड फ्री लुक देगा। जैसे मैं आपको ट्राई करके यहाँ पे दिखा रही हूँ कि पिन को ले लिया, दोनों कोर को उसके वहाँ पे पिनअप कर लिया, अब आपके हाथ फ्री हो गए, ऐसा कुछ भी कर सकती हैं अपने हाथों से, और हाथ ऐसा नहीं कि हमें हमेशा हमें शॉल को पकड़े रहना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ फ्री हो चुके हैं और शॉल भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक दे रही है। नेक्स्ट है जो मैंने फर्स्ट में ही जो हाफ जैकेट पहना था उसी पर का है ये स्वेटर, दोनों का सेट है ये। इस पे देखिए, अंदर वाले स्वेटर को मैंने एज ए स्वेटर के लुक पे, उसके बाद से साड़ी को ड्रैप किया है, और उसके ऊपर से फिर मैंने इसका जैकेट को पेयर अप कर लिया है। तो ये लुक भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, और इस स्वेटर के मैचिंग का अगर कोई साड़ी पहना जाए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। इस साड़ी पर मैंने ट्राई किया है ब्लैक कलर के शॉल के साथ, क्योंकि स्वेटर का जो ओवरऑल लुक है वो ब्लैक है, सो इसके साथ मैंने ब्लैक कलर की शॉल यूज़ की है। सो इस टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा फ्लॉन्ट करना है अपने साड़ी को तो आप इस शॉल को साइड में भी कर सकती हैं। सो इस टाइप से भी आप यूज कर सकती हैं, क्योंकि हमने डबल स्वेटर पहना है तो काफ़ी ज़्यादा वार्म भी कर सकता है। सो अगर आप शॉल लेना चाहती हैं तो अच्छे कवर का भी करके ले सकते हैं, तो साइड में भी आप शॉल को ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए, ओपन फ्लॉन्ट करते हुए भी आप दिखा सकती हैं इस टाइप से ओपन करके शॉल को, और नहीं तो ये तो एक तरीका हो गया लेने का। सेकंड में है कि हम इस शॉल को है उसे प्लीटेड करके साइड में ही उसे हम लेंगे। सो ये दोनों जो तरीके हैं ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं। सो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। सो देखिए, मैंने इसे प्लीटेड करके साइड में ऐसे लगाए हुए हैं क्योंकि हमने डबल स्वेटर पहना है। सो इस टाइप का जो लुक है ना बहुत ज़्यादा ठंडी के दिनों में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लुक देता है। आई होप आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।